नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। उत्तर प्रदेश में रविवार को लखीमपुर खीरी में हुआ बवाल हर ओर चर्चा में बना रहा। पूरा घटनाक्रम शासन प्रशासन सभी के लिए चुनौती साबित हुआ। मामले पर सियासी घमासान भी खूब देखने को मिला। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वीडियो शेयर किया गया है वो मामले का एक और पहलू दिखाता है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे गाड़ी भीड़ को कुचलते हुए आगे जा रही है। लखीमपुर खीरी में रविवार को जो हुआ वो सदियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प के बाद जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सियासत और समाज के गलियारों में केवल शोर और आरोप प्रत्यारोप। विपक्ष का भी तेवर बेहद सख्त रहा। कई विपक्षी नेताओं ने लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश की और सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष और साथ ही साथ योगी सरकार को आड़े हाथों लिया गया। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से सोमवार को उनके ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कई नेताओं ने भी वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। घटना का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे गाड़ी प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को रौंदते हुए निकलती नजर आ रही है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेताओं का यही दावा है कि वायरल वीडियो लखीमपुर खीरी का ही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लखीमपुर खीरी का बताया जा रहा है जिसमें एक गाड़ी कुछ लोगों को रौंद कर निकलती नजर आ रही है। कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि वीडियो लखीमपुर खीरी का ही है जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लग रहा है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है, एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग विजुअल्स फ्रॉम लखीमपुर खीरी, द साइलेंस फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट मेक्स देम कॉम्प्लिसिट। इस वीडियो को कांग्रेस के अलावा और भी विपक्षी दल तेजी से शेयर करते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी वीडियो को शेयर किया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने भी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, क्या इसके बाद भी कोई प्रमाण चाहिए? देखिए सत्ता के अहंकार में चोर गुंडों ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कैसे रौंद कर मार डाला। कुछ चैनल्स ज्ञान दे रहे थे कि मंत्री जी का बेटा जान बचाने के लिए भागा, # किसान हत्यारी भाजपा। वही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने भी वीडियो शेयर करते हुए न सिर्फ सरकार को निशाने पर लिया बल्कि घटना पर दुख भी जाहिर किया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास की तरफ से भी इस वीडियो को शेयर किया गया है। वीडियो शेयर करते हुए श्रीनिवास ने लिखा, ये है राज्य प्रायोजित लखीमपुर नरसंहार का सबसे दिल दहला देने वाला सबूत, सबसे दुखद वीडियो। दरअसल 25 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग विरोध करने के लिए हाथों में झंडे लिए नजर आ रहे हैं, सभी रास्ते पर चल रहे हैं। इन्हीं लोगों की भीड़ में एक बुजुर्ग भी हाथ में झंडा लिए नजर आ रहे हैं जिन्होंने सफेद शर्ट पहनी है और पीली पगड़ी लगाई हुई है। इसी के बाद वो हुआ जो राजनीतिक इतिहास में काले पन्नों में लिखा जाएगा। पीछे से एक तेज रफ्तार महिंद्रा थार SUV आती है और भीड़ में दाखिल होती है। सफेद शर्ट पहने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मारती है जिससे वो बुजुर्ग बोनट पर गिरते हैं और बाकी लोग भी इधर उधर गिर जाते हैं, लेकिन SUV की रफ्तार में कोई कमी नहीं आती है। वो लोगों को टक्कर मारती हुई आगे निकल जाती है। वहीं चलिए अब जान लेते हैं इस वीडियो की कहानी वहां मौजूद चश्मदीद की जुबानी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां मौजूद एक शख्स सोनी ने बताया, यहां हजारों लोग प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए थे। पीछे से तेजी से गाड़ियां आईं और लोगों को कुचलते हुए आगे चली गईं। गाड़ी पीछे से आई तो हमने तो नहीं देखा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी खुद सांसद जी का बेटा चला रहा था, हमारे भी पैरों में चोट आई है। दरअसल रविवार को हुए लखीमपुर खीरी कांड में 4 किसानों सहित 8 लोग काल के गाल में समा गए। साथ ही अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर भी गंभीर आरोप लगे। हालांकि सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है जिसके बाद आपसी सहमति के बाद शवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि इतने बड़े नरसंहार का जिम्मेदार आखिर कौन। ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।